गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद रवि पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 लेके आया हूं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। जातिवादी ग्रुप्स होते हैं, समुदाय होते हैं, उनको नष्ट करना, उनका डिस्ट्रक्शन करना, उसको बोला जाएगा जेनोसाइड, जाति संहार। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। ऐसी किसी चीज की व्यापार करना जिसको व्यापार करना कानूनी तौर पे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्राबैंड तस्करी। नेक्स्ट, एंड एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, चोरी करने की बहुत अत्यधिक लालसा होना, इच्छा होना या आदत होना, उसको बोला जाएगा क्लिप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सम्माननीय है उसकी विवेकशीलता और बुद्धिमता के कारण, उसको बोला जाता है वेनरेबल, सम्मानित व्यक्ति। ये शब्द हम बहुत बार एडिटोरियल में भी डिस्कस कर चुके हैं, द हिंदू एडिटोरियल में, वेनरेबल। नेक्स्ट, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, ऐसा कोई पर्सन जो कि जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो खुश होने से, खुशी से, पेन से, या फिर किसी भी प्रकार के दुख से उसको कोई फर्क ना पड़े, उसको बोला जाता है स्टोइक वैरागी। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसा कुछ जिसपे विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, असंभव हो, उसको बोला जाएगा इनक्रेडिबल, आश्चर्यजनक। जैसे हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसका जो आपका मोटो है, लोगो है, वो है इनक्रेडिबल इंडिया, सुना होगा आपने, काफी बार टीवी में भी आता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट, वन हु इज ऑल पावरफुल, उसको बोला जाता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, जिस जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, शक्तिमान हो, उसको बोला जाएगा ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ वॉयलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, इस तरह की कोई क्रिया जिसके कारण कि हवाई जहाज को हम क्या करें, हाईजेक कर लें, वॉयलेंस, कोई हिंसा के लिए, उसको बोला जाता है हाईजेक, अपहरण करना। नेक्स्ट, सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, किसी व्यक्ति को अपने देश वापिस भेजना या बुलाना, वापिस भेजना उसको अपने देश, उसको बोला जाता है रिपेट्रिएट, स्वदेश भेजना। इस वर्ड को भी हम बहुत बार एडिटोरियल में भी, माइग्रेशन अभी हो रही है, माइग्रेट हो रहे हैं, वापिस आ रहे हैं कोविड-19 से के कारण, वापिस भारत आ रहे हैं बहुत सारे विदेशी जो यहाँ अपने देश में रहते थे, NRIs बहुत सारे वापिस आ रहे हैं, तो उस सेंस में बहुत बार ये शब्द यूज हुआ है पेपर में, एडिटोरियल में, रिपेट्रिएट। और आज का अंतिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एनिमल्स दैट लिव इन अ पार्टिकुलर रीजन, ऐसे पशु जो किसी एक विशेष क्षेत्र में रहते हों, उसको बोला जाता है नेटिव, देशीय पौधा या जानवर। तो ये इस पार्ट का, पार्ट 6 का अंतिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।